नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त केएन मौर्या उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने खेती के कामों में लगे होंगे। मित्रों, मैं जहरमुक्त खेती की यात्रा पे हूं और ये यात्रा करते करते हम लोग 12 से 13 दिन किसानों के बीच रह चुके हैं और आज एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास खड़े हैं जो कपास की खेती पिछले 13-14 सालों से कर रहे हैं। ये खेती कर नहीं रहे हैं पैसे से, बल्कि ये खेती कर नहीं रहे हैं बल्कि यहाँ के किसानों को उन्नत बीज, उन्नत खाद, वो भी जहर मुक्त तरीके से पर्यावरण को बचाते हुए किस तरीके से की जाती है उनको बहुत बढ़िया से दिशा निर्देशन का भी काम कर रहे हैं। पैसे से आप टीचर हैं फिर भी किसानों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने कपास उगाया है। तो आइए आज हम जो काटन के किसान हैं, जो कपास की खेती करते हैं, उनसे ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए बात करते हैं जहर मुक्त खेती में कपास की खेती की, जिसमें आपको वैरायटी से लेकर के बिजाई तक के तरीकों को बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मास्टर साहब। नमस्ते। पहले तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम छितर सिंह चौहान है। मैं ग्राम कोटड़ा का निवासी हूँ और तहसील झिरनिया, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। मास्टर साहब, खेती कितने सालों से कर रहे हैं आप? हम खेती तो हम 10-15 वर्ष से कर रहे हैं। काटन कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल से कर रहे हैं। अब जो हमारा नया काटन का किसान है, हाँ, जो समझ लिए एकदम बिल्कुल नया है, हाँ, अगली साल खेती करना, हाँ, हाँ, तो आपने इसमें खेती की तैयारी कैसे की? जुताई कितने बार की, क्या क्या डाला वो बताइए किसान से। हमने खेत को शुरू से हमने खेत को 2 बार जुताई करी, ठीक है, मट्टी पलटने वाले हल से, हाँ, और इसके बाद में 1 जून, हाँ, 1 जून को ये कपास हमने लगाया। 1 जून 2020 को कपास लगा। 2020 को लगाया कपास। जब लगाया तो पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये बीज कौन सा है। ये वी स्पॉट है। वी स्पॉट किस कंपनी का? वी स्पॉट ये कंपनी याद है आपको? हाँ, नरेंद्र नरेश कृषि सेवा केंद्र से लिया था हमने। नरेंद्र कृषि सेवा, हाँ, केंद्र से आप मंगाते हैं? हाँ, मंगाते हैं। मंगा करके मार साहब का बहुत अच्छा, हाँ, काम है कि मंगाते हैं और किसानों को उसी रेट पे, हाँ, अवेलेबल भी कराते हैं। मार साहब, अब बात करते हैं बुआई की। बुआई कैसे करी आपने? दूरी क्या रखी है कूड़ से कूड़ की नालियों से? कूड़ से कूड़ के ये 4.5x2 पे लगाए हमने। 4.5x2 पे? दो पे। ये पौधे से पौधे की दूरी दो, दो, और ये जो नाली से नाली की दूरी है 4.5x2 पे लगा, हाँ, है, हाँ। इसके बाद इसमें खाद क्या क्या डाला था? खाद हमने इसको शुरू से इसमें सुपर यूरिया और ये डीएपी डाला। ऑर्गेनिक खाद की बात करें जैसे, हाँ, सलरी है, हाँ, गोबरी खाद इसका प्रयोग कैसे किया आपने? इसका भी डाला था हमने। अच्छा, जैसे जैसे तैयार होता है वैसे उसको चलाते गए। सलरी भी किसान साथी देख सकते हैं, सलरी बनाने के तरीके में बता दूंगा, सलरी भी पड़ी है। खाद का जो रेशियो रहा है प्रति एकड़ में, हाँ, थोड़ा सा डिटेल करिए क्योंकि कपास के किसान बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं। प्रति एकड़ खाद का क्या रखा है रेशियो आपने? प्रति एकड़ तो कम से कम में हमने ये करा, इसमें प्रति एकड़ कितना यूरिया कितना डीएपी? यूरिया तो बहुत कम डाला, नहीं के बराबर डाला। ठीक है, हाँ, डीएपी एनपीके हमने डाला। अच्छा, 16-12-32 और, हाँ, 16-12-32 डाला और एनपीके बस, हाँ। चलिए, अब ये कितने दिन का हो गया? आज हम लोग 16 तारीख को, हाँ, 16 सितंबर, हाँ, 2020 को इनके खेतों में खड़े हैं, हाँ। अब इस खेत में फ्लावरिंग की बात करें, जैसे आप जहर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, इसमें केमिकल स्प्रे भी कुछ किया है आपने? इसमें केमिकल स्प्रे तो बहुत कम किया हमने, ऑर्गेनिक, ये इसका ऑर्गेनिक का किया है। अब आइए फल की कंडीशन देखें, हाँ, तो फलों को देखें, ये पत्ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिएगा, पूरा खेत थोड़ा सा घुमाइएगा कैमरे को, पूरा खेत में देखें। इस समय माठ साहब जैसे बहुत सारे किसान हैं कपास में रोग से काफी ग्रस्त हैं, हाँ, पत्तियां लाल होती हैं और पूरा पौधा खत्म सा हो जाता खत्म होता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपके खेतों में रोग बहुत ही कम है, तो ये जो प्रजाति है, क्या बताया था आपने? वी स्पॉट जो प्रजाति है, ये रोगों के प्रति रोग अवरोधक भी है? हाँ, रोधक है, बहुत कम बीमारी आती है। अच्छा। कोई कई किसानों ने तो 2-3 बार स्प्रे किया। अच्छा। और 150 से 200 घेटे है और 25 से 27 क्विंटल का उत्पादन लेने का वो बोल रहे हैं। 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ में, समझिए, हाँ, किसान भाइयों 25 से 27 क्विंटल है। अब मैं फ्लावरिंग की बात करूं, इसकी फलित की शुरू करूं, हाँ, इसके फ्लावरिंग की बात करूं, फूलों की शुरू करूं, तो कब से शुरू हो जाता है ये? तो ये समझो कि 2 महीने का 60 दिन के बाद में चालू हो जाता है। 60 दिन का कहाँ से? जमीन से? जमीन से, बिल्कुल जमीन से होता है ये, बिल्कुल 4 इंची के बाद से
ये फुटाव आता है और यहाँ से बिल्कुल आता है, जमीन से चालू हो जाता है, जमीन से ऊपर 7-8 फीट तक। और इसके बाद और हमने ये देखो कटिंग करी है, नहीं तो और आगे जाता। अच्छा, ये कटिंग भी करी? ये कटिंग करी, नहीं तो 9 फीट तक का जा सकता है। और ये फलों की कंडीशन देखें थोड़ा, देखिए फल किसान भाई ऊपर तक ये हरा रहता है, फ्लावरिंग ये पूरा चारों तरफ फल ही फल है, फल ही फल है, ये फल बहुत है, फूल बहुत है ना, इसके फूल बहुत ज्यादा है, फूल बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारे किसान ऐसे हैं भारतवर्ष के जिनको कपास की सही बीज नहीं मिल नहीं, नहीं मिल पाती, कॉटन की सही बीज नहीं मिल पाती, सही खाद नहीं मिल पाती। फूलों के लिए आपने जब फ्लावरिंग शुरू हुई तो क्या यूज किया है? फूलों के लिए हमने ये ग्रोथ, ये इसमें ब्लूमोर और नाइट्रोकिन प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यदि जो उसके हमने प्रयोग किए हैं फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि प्लांट जब प्रेगनेंसी पे आता है तो यदि उसको आप दें तो बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है। और वो रिजल्ट आपको यहाँ दिखने को आप देख भी सकते हैं, फ्लावर ही फ्लावर है, फ्लावर ही फ्लावर है। देखिए इन चीजों का मार्ट साहब ने प्रयोग किया है, इसकी फोटो किसान भाइयों में आपको एडिट करके डाल दूंगा, फिर भी ये देखें। कितनी कितनी स्प्रे करी है आपने इसको? दो बार करी है, दो बार करी है, दो बार पंद्रह दिन में। चलिए अब और बताइए हमारे किसानों को कि अब हमारे किसानों को यदि बीज चाहिए तो जैसे आप यहाँ लोकल किसानों को बीज मंगाते हैं और देंगे, भारतवर्ष के किसान देख रहे हैं, यदि उनको बीज चाहिए तो कैसे प्राप्त करेंगे? हम मंगा के दे देते हैं वही प्राइस में। अच्छी बात यह है कि मार्ट साहब जिस रेट में मंगाते हैं उसी रेट पे दे देते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहता है किसानों को, थोड़ा सा यहाँ जो पढ़ाई लिखाई या शिक्षा का लेवल है वो थोड़ा सा कम है, बहुत कम है, तो इसलिए। तो अपना नंबर बताइए किसानों को, 9009349742। अच्छा, ये आप बीज के लिए इनका जो बीज है उसके लिए कॉल कर सकते हैं। धूम सिंह चौहान जी हमारे पास हैं, आइए धूम सिंह जी हमारे ये पास हैं। आप खरगोन के हैं और जहर मुक्त खेती संबंधित यहाँ के लोगों को जानकारी देना, प्रशिक्षित करना, और इसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट जैसे मैंने जो दिखाया और जो किसान साथी हैं उनको अवेलेबल कराने का काम इनका है। तो आप अपना नंबर बताइएगा किसानों को, 9691 6969 ठीक है, इनका नंबर है, मैं नंबर लिख भी दूंगा आपको। और हमारे साथी हैं गोहाना से, हरियाणा से चल के आए हैं, इनके यहाँ भी कपास बहुत होता है। और अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आपने कपास तो बहुत देखे हैं अपने एरिए में भी, आज यहाँ जो फूल देख रहे हैं कपास की खेती देख रहे हैं, रोग रहित पौधे हैं, उस पर क्या कहेंगे किसानों से? नमस्कार किसान भाइयों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी आशा है। और हम एक मिशन से जुड़े हैं जहर मुक्त खेती, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे जहर मुक्त खेती के स्टार प्रचारक डॉक्टर के एन मौर्या जी के साथ यहाँ आने का मौका मिला। मैं मास्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपने किसानों को यहाँ एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश में लगे हैं, और जिस रेट पर बीज आता उसी रेट पर किसानों को मुहैया कराते हैं। और मैं एक बात से बहुत ही प्रभावित हूँ कि यहाँ की जो प्रोडक्शन है प्रति एकड़ वो 25 से 27 क्विंटल पर एकड़ है, जो कि एक पथरीली ज़मीन में है। हाँ, और मैं भारतवर्ष के सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जब यहाँ हो सकती है फसल इतनी प्रोडक्शन, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस बीज को मंगवा सकते हैं। तो इसे आपके यहाँ भी तो कपास होती है? कपास होती है डॉक्टर साहब, लेकिन इतनी प्रोडक्शन नहीं होती, इतनी प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 तक, 18-20 प्रति एकड़ तक होती है। और इतने स्वस्थ जो हेल्दी पौधे दिख रहे हैं, फ्लावरिंग दिख रही है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक इतने स्वस्थ और इतने मस्त पौधे। यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग है और बहुत ही अच्छा फल है, बहुत स्वस्थ है ना, स्वस्थ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन किसानों को इसके बारे में जानकारी चाहिए, धूम सिंह चौहान है, इनका नंबर मैं लिख दूंगा, मास्टर साहब का नंबर मैंने दे दिया है, इनसे बात करें, संपर्क करें और प्रयास करें कि आप भी लाभान्वित हों और बहुत सारे जो लोग हैं वो लाभान्वित हों। एक एकड़ आधे एकड़ में जितने भी कर सकते हैं जहरमुक्त खेती के तरीके से इसको करिए, इसमें सलरी गोबर की खाद, और यदि नहीं कर सकते हैं तो बने बनाए प्रोडक्ट हैं उसको लीजिए और जहरमुक्त खेती के साथ। सर जी यहाँ पे यूरिया एक दाना भी नहीं डाला है, यूरिया एकदम नहीं डाला, एकदम नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला यूरिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डाला है। अच्छा, और पोटाश, डीएपी और सुपर,
बस यही डाला, पोटाश डीएपी और सुपर, ये तीन चीजें डाले हैं, यूरिया का प्रयोग नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है सर जी। चलिए और भी जो कि यहाँ के साथी हैं जी, और इस अभियान से जुड़े हमारे साथी डॉक्टर शेखर जी जो यहाँ खरगोन का एरिया देखते हैं, लेकिन ये उनकी किस्मत है कि वो यहाँ पर कैमरामैन हाँ वीडियो बना रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान।